हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट स्टूडेंट स्कूल टेल्स। ये कोरियन हॉरर ड्रामा जो कि आपको एकदम फ्री में देखने को मिलेगा, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इसमें टोटल 4 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 19 मिनट से लेकर 31 मिनट्स के बीच में ही है। और शो की कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, जहाँ पर एक आर्ट टीचर की हो जाती है डेथ, और डेथ एक आत्मा यानी कि स्पिरिट की वजह से होती है। तो अब ये किसकी स्पिरिट है जो कि स्कूल में हॉन्ट कर रही है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। फिर अब बात करेंगे इस शो की, तो भाई मैं बस ऐसी R&D कर रहा था, तब मुझे ये शो नज़र आया, तो मैंने सोचा चलो इसको एक बार देख लेते। और इस शो को देखा तो ये आप लोग कह सकते हो जैसे इंडिया में कैसे लो बजट के शोज़ बनते, तो ये कोरियन इंडस्ट्री का लो बजट का शो है, बट ये शो उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना यहाँ पर बॉलीवुड की मूवीज़ बनती है, हॉरर मूवीज़। सीरियसली इसमें आपको स्कैरी मोमेंट्स भी फील होंगे, इसमें आपको जंप स्कैर भी फील होंगे, और साथ साथ जो सस्पेंस और मिस्ट्री है वो भी आपको फील होगा। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन इतना भी मैं आपको कह सकता हूँ कि 4 एपिसोड कहाँ चले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कैरेक्टर्स की बात करो तो यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स तो देखने को नहीं मिले, लेकिन जितने भी है उनको अच्छी तरह से लिखा है, यानी कि उनको एकदम डेप्थ में नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया इससे हम लोग बेसिक जो नॉलेज है कैरेक्टर्स की उतनी हासिल कर लेते, इस हिसाब से आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहती। उसके लिए यहाँ पर आपको 3 अलग अलग प्लॉट्स देखने को मिलेंगे इस 4 एपिसोड में, जिनको बहुत अच्छी तरह से अब मैं यहाँ पर इसके आगे नहीं बताऊँगा। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, VFX जितने भी थोड़े बहुत है वो भी देखकर अच्छे लगते हैं, BGM अच्छा है, इस तरह के शोज़ को एकदम एक वो हॉन्टिंग वाली फीलिंग देता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एक डिसेंट हॉरर शो है जो कि आपको हिंदी में देखने को मिलता है। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। एडिटिंग भी अच्छी लगी, यानी कि फालतू के हर एक एपिसोड को यहाँ पर ड्रैग नहीं किया, अगर ड्रैग करता तो वाकई में ये 6 के बदले मैं इसको 4 रेटिंग देता। डायरेक्शन भी मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि यस ये शो आप अपने घर पे बैठ के देख सकते हो, इसमें कुछ भी एडल्ट सीन मुझे तो देखने को नहीं मिला। और यस मैं शो को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।